खरगोन जिले के ग्राम बेड़िया में आईटीआई कॉलेज का निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिसके विरोध में ग्राम सेल्दा बालाबाद के ग्रामीणों ने मोर्चा खोला और कॉलेज को ग्राम सेल्दा में बनवाने की मांग की। ग्रामीणों की माने तो शासन स्तर पर आईटीआई कॉलेज ग्राम सेल्दा में बनाने की बात पर मोहर लगाई गई, जिसका निर्माण कार्य बेड़िया में कराया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि एनटीपीसी और राजनीतिक रसूखदारों की मिलीभगत से कॉलेज का निर्माण कार्य जबरन बेड़िया में कराया जा रहा है, जिससे 20 से 25 गाँव के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि समय रहते मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, सेल्दा, डालची और खेड़ी तीन गांव के प्रभावित गांव है हमारे, और एनटीपीसी द्वारा हमारे गांव को छल किया गया। हमारे गांव के साथ में हम लोगों को पहले अरंडार नीति के तहत बोला गया था कि आप लोगों के आपके गांव में शिक्षा का स्तर हमारे गांव में ऑलरेडी पहले से कम है। आईटीआई कॉलेज जो कि हमारे गांव में बनना चाहिए, जो बने तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, पर एनटीपीसी की तानाशाही के कारण यह आईटीआई कॉलेज बेड़िया और नेतागिरी के कारण बेड़िया ले जा रहे हैं, जो कि हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। क्या करने जा रहे हैं अभी? हम ये कभी हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम 4 से 6 गांव के लोग मिलकर एनटीपीसी का घेराव करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, उसके बाद में भूख हड़ताल करेंगे और हम एनटीपीसी का काम बाधित करेंगे। क्या नुकसान होगा आपको अगर ये जगह पहुंचाए? हमारा नुकसान ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जमीन हमारी गई है, आज वहाँ पे राख उड़ रही है, तो हम लोग उस राख को खा रहे हैं, और ये फायदा देना चाहिए हमको तो उसकी बजाय दूसरे गाँव में दे रहे हैं। अभी विकास कार्यों में भी हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं और बाहर ये राजनीति करके बाहर काम करवा रहे हैं। धर्मराज यादव है, ग्राम पंचायत खड़ी बुजुर्ग। एनटीपीसी से हमारी मांग है कि हमारी जमीनें ली गई है तो वहाँ पर आईटीआई कॉलेज का की स्थापना की जाए। ये कॉलेज राजनीतिक दलों द्वारा तथा एनटीपीसी के द्वारा अन्य जगह पर स्थापित की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ खिलवाड़ एवं छल हो रहा है। हमारी शासन से यही मंशा है कि ये कॉलेज का निर्माण एनटीपीसी द्वारा ग्राम सेल्दा में शासकीय भूमि पर किया जाए। अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो क्या करोगे आप? अगर इस समस्या का शासन प्रशासन जल्द से जल्द निराकरण नहीं करेगी तो वहाँ पर एक नंबर गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो गांव के लोगों को उसका फायदा मिलेगा? अगर 20 गांव को 15 से 20 गांव है, ग्रामीण क्षेत्र सेल्दा के आसपास लगभग 20 से 25 गांव लगे हुए हैं, उन सभी को इस कॉलेज का लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र बिरला है, मैं ग्राम पंचायत सेल्दा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।